अभी हम लोग कुछ मोस्ट कॉमन एंड ब्यूटीफुल इंडोर हैंगिंग प्लांट देखेंगे जिससे आप अपने रूम्स को इजीली डेकोर कर सकते हैं। ये सारे प्लांट पास के लोकल नर्सरी और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं एंड इनकी स्टेम कटिंग भी इजीली लग जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज हम लोग इंडोर हैंगिंग प्लांट देखेंगे जो कम स्पेस और लो लाइट में भी चल पड़ेंगे। और मेरे ये सारे प्लांट कई साल पुराने हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुए, और कई सारे प्लांट की कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। इनफैक्ट बिगनर भी इस प्लांट से अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कई सारे हैंगिंग प्लांट जो हैं बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट हैं एंड इनसे हम अपने कमरों को डेकोर कर सकते हैं, रूम्स को मेकओवर कर सकते हैं, नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैंगिंग प्लांट हैं। नंबर वन बेस्ट एंड ब्यूटीफुल इंडोर हैंगिंग प्लांट है फर्न। फर्न एक मोस्ट कॉमन हाउस प्लांट होते हैं जो इंडोर प्लांट के लिए और हैंगिंग पॉट के लिए भी सुटेबल होते हैं, और ये हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। मेरे पास भी टू टाइप्स ऑफ फर्न वेराइटी है, जिसमें से एक एस्पेरेगस फर्न है और दूसरा बोस्टन फर्न है। फर्न की वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉयल बनाएंगे ताकि वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। न्यूट्रिएंट रिच सॉयल बनाने से बार बार रिपॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होते हैं, सो इनके सॉयल मॉइस्ट रखें बट सॉगी नहीं होने दें। शेड लविंग प्लांट होते हैं फर्न, तेज धूप में ये खराब हो सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों के लिए ही सुटेबल होते हैं। ये बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी होते हैं जो बाथरूम के लो लाइट को भी सर्वाइव कर सकते हैं, सो फर्न को बाथरूम एंड बेडरूम हर जगह डेकोरेट कर सकते हैं। ये परमानेंट और हार्डी प्लांट है जो जल्दी ख़राब नहीं होते, इनकी पत्तियाँ सूख भी जाए तो नई ग्रोथ आती रहती है, और मेरे दोनों फर्न काफ़ी टाइम से अच्छे चल रहे हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुए। और नेक्स्ट बेस्ट इंडोर हैंगिंग प्लांट है जेड प्लांट, जिसे क्रैसुला ओवाटा के नाम से भी जानते हैं। इसे गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जेड प्लांट भी परमानेंट और हार्डी प्लांट है जिनकी कटिंग से हम नए प्लांट भी बना सकते हैं, एंड ये प्लांट जो होते हैं हैंगिंग पॉट के लिए भी सुटेबल होते हैं। साथ ही अगर इन्हें हम इंडोर लगाएं तो इन्हें हम विंडो साइड के ब्राइट लाइट में लगा सकते हैं। जेड प्लांट को घना और खूबसूरत बनाने के लिए इनकी कटिंग प्रूनिंग भी हमेशा करते रहेंगे, और इनमें वाटरिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे इनके लीफ में और इनके स्टेम्स में वाटर पहले से स्टोर होता है क्योंकि ये सकुलेंट होते हैं, तो इनमें हम वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। जब सॉइल ड्राई हो जाएगी तभी इसमें वाटर देंगे। और ये भी जेड प्लांट की दूसरी वेराइटी है जिसे मैंने लीफ से प्रोपगेट किया था, और ये काफ़ी अच्छे से अभी ग्रो हो रहा है। लीफ में भी रूट प्रोपगेशन हो जाता है जेड प्लांट का, और ये स्टेम कटिंग मैंने लगाई हुई है छोटे से पॉट में, तो ये काफ़ी इजीली मेंटेन और हार्डी प्लांट होते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पेप्रोमिया, और ये पेप्रोमिया है जिसे बेबी रबर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। पेप्रोमिया की कई सारी वेराइटी होती है और कई सारे नए नए डिज़ाइन में ये होते हैं। पेप्रोमिया लुक वाइज काफ़ी डेकोरेटिव और एलिगेंट लगते हैं। इनके लीफ जो होते हैं फ्लैसी होते हैं और शाइनिंग होती है इनके लीफ में, और इनके लीफ से ही इस प्लांट की खूबसूरती होती है। पेप्रोमिया के लीफ को आप चाहे तो वाटर में भी डाल सकते हैं और सॉइल में भी, दोनों में ही रूट अच्छे से ग्रो हो जाती है। लगभग एक महीने में इसमें रूट अच्छे से आ जाएगी, और ये छोटे पॉट में भी लग जाते हैं और हैंगिंग पॉट के लिए भी काफ़ी सुटेबल होते हैं। परमानेंट और हार्डी तो ये होते ही हैं। मेरे पास जो ये प्लांट है लगभग 10 साल पुराना प्लांट है। ये पेप्रोमिया बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये जल्दी ख़राब ही नहीं होता, और इनको भी बहुत ज़्यादा लाइट देने की ज़रूरत नहीं है। कमरे के ब्राइट लाइट में ये अच्छे से चल पड़ेंगे। इनफैक्ट ये बच्चों के स्टडी टेबल पे, लिविंग रूम में और ऑफिस टेबल पे भी काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं, वहाँ भी इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। रूम में पॉजिटिविटी आप इन्हेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी कई सारी वैरायटी होती है, पिंक सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम। मेरे पास है ये पिंक सिंगोनियम, और ये भी काफ़ी अच्छा हैंगिंग पॉट प्लांट होता है, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सिंगोनियम को भी हम कई तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। इन्हें वाटर में भी प्रोपगेट किया जाता है और सॉइल में भी, और ये साथ में ही ये प्लांट है पेप्रोमिया, ये भी पेप्रोमिया की ही वैरायटी है। ये है पेप्रोमिया की ही दूसरी वैरायटी जिसका नाम है पेप्रोमिया कैपेराटा,
और ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है जिसे हम छोटे पॉट से लेकर हैंगिंग पॉट में भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर पेप्रोमिया कैपेराटा को हैंगिंग पॉट में लगाएं तो वाइट बास्केट का ही सिलेक्शन करें, वो ज़्यादा डेकोरेटिव लगेंगे। नेक्स्ट प्लांट है वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू भी हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। और जैसा कि वॉन्डरिंग ज्यू वाइन प्लांट है तो ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग पॉट में, और ये परमानेंट और हार्डी होते हैं। साथ में ही ये प्लांट बिगनर्स के लिए भी बेस्ट है क्योंकि ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और इनकी कटिंग से भी हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और साथ में है ट्रेडस कैंटिया, ये भी वॉन्डरिंग ज्यू की वेरीगेटेड वेराइटी है। एंड टर्टल वाइन भी काफ़ी अच्छा हैंगिंग बास्केट प्लांट है और देख ही सकते हैं ये बॉटल में कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये हैंग हो गया है और इतनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं कि लगभग 1 से 2 महीने में ही ये काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इन्हें इंडोर आउटडोर भी लगा सकते हैं। शेड लविंग वाइन प्लांट है, इनकी स्टेम कटिंग वाटर और सॉयल दोनों में ही लग जाती है बड़े ही ईजिली और इन्हें हम प्रोपगेट भी कर सकते हैं। और टर्टल वाइन जिस तरीके से फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं ये पूरे बास्केट को बहुत ही तेज़ी से भर देते हैं, जो कभी ख़त्म ना होने वाला प्लांट होता है। और नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट, जो बेस्ट इंडोर प्लांट होने के साथ साथ बेस्ट हैंगिंग प्लांट भी होते हैं और इन्हें हैंगिंग पॉट में हम काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं, काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। ये लिविंग रूम में, ऑफिस में, बेडरूम में, कहीं भी आप इसे लगाइए, लो लाइट में भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, एज ए रिक्वायरमेंट वाटरिंग करेंगे। कई दिनों तक अगर हम इन्हें वाटरिंग नहीं भी करें तब भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। और इस प्लांट से हम नए नए प्लांट भी काफ़ी ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करते रहते हैं और नए नए प्लांट हम उससे बना सकते हैं। और इंडोर भी छोटे छोटे पॉट में इसे मैंने डेकोरेट किया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसके बेबी प्लांट से, और इसके रूट डिवीजन से भी आप नए नए प्लांट बना सकते हैं। और नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट है क्रिसमस कैक्टस, जिसमें दिसंबर में फ्लावरिंग होती है। क्रिसमस में भी इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है इसलिए इसे क्रिसमस कैक्टस के नाम से भी जानते हैं और इसे ईस्टर कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत और बेस्ट इंडोर प्लांट होते हैं जिसे हैंगिंग पॉट में भी हम लगा सकते हैं, ढेर सारी फ्लावरिंग होती है इसमें और इजली मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये मिनी सकुलेंट, जिसे ट्री क्रॉप स्टोन के नाम से भी जानते हैं और जैसा कि देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत और डिज़ाइनर है। और इस प्लांट को छोटे पॉट के साथ साथ आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ऊपर से ये लुक वाइज ट्री की तरह ही लगते हैं इसलिए ट्री क्रॉप स्टोन के नाम से भी जानते हैं। और ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और हैंगिंग पॉट में भी इसे हम लगा सकते हैं। और ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं तो हैंगिंग पॉट में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनके भी स्टेम कटिंग हम लगा सकते हैं और नए नए प्लांट बना सकते हैं। और ये खूबसूरत सा प्लांट है इंग्लिश आईवी। ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट होते हैं जिन्हें ज़्यादातर दीवारों को कवर करने में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये भी फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। आईवी जो होते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए भी सुटेबल होता है और ज़्यादातर यूज़ होता है। इनकी स्टेम कटिंग बड़े ही ईजिली लग जाती है। इनकी भी कई सारी वेराइटी होती है और मेरे पास भी 2 टाइप्स ऑफ वेराइटी है, और एक ये छोटी लीफ की है और बड़ी लीफ वाली भी वेराइटी है मेरे पास। और ये ट्रायंगल शेप में होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये, और हार्डी प्लांट होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। आईवी की जितनी भी वेराइटी होती है सारे ही शेड लविंग प्लांट होते हैं और इन्हें शेड में ही लगाएंगे, तेज धूप से इन्हें हमें बचानी है और इन्हें भी मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी पसंद है, तो कई सारे प्लांट के साथ ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाने से ये काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। इन्हें भी इंडोर आउटडोर दोनों में ही लगा सकते हैं, बट आउटडोर इन्हें शेड में लगाएंगे, इंडोर इन्हें ब्राइट लाइट में भी लगा सकते हैं। वाटर एंड सॉयल दोनों में ही आईवी इजली प्रोपगेट हो जाता है। और आईवी की ये दूसरी वेराइटी है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा हैंग हो गया है, काफ़ी दूर तक ये फैल जाते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होते, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने इंडोर आउटडोर दोनों में ही, ये काफ़ी अच्छे से चल पड़ेंगे। आईवी लो केयर और इग्नोरिंग प्लांट होते हैं, कई बार वाटरिंग करना भी भूल जाए तभी ये ख़राब नहीं होते। और एक बार इनकी जो पॉटिंग सॉइल होती है वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच बना ले तो बार बार इन्हें कंपोस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और मेरे आईवी प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और ये काफ़ी दूर तक फैल गया है, काफ़ी डेकोरेटिव भी लग रहा है। यहाँ पर हैंगिंग पॉट में वॉन्ड्रिंग जीव और ट्रेडेस्केंटिया सिलेमंटाना का कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी सूट कर रहे हैं, ग्रीन और रेड, और देख ही सकते हैं हैंगिंग पॉट में ये कितने अच्छे लग रहे हैं, डेकोरेटिव लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से दो प्लांट और दो कलर कॉम्बिनेशन से भी हैंगिंग पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं और इसे भी इंडोर आप लगा सकते हैं। ब्राइट एरिया में आप इसे लगाएंगे इंडोर। ये ट्रेडेस्केंटिया सिलेमंटाना है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनके जो लीफ होते हैं वो रेशेदार होते हैं और दूर से ये बिल्कुल सिल्वर कलर की तरह चमकता हुआ लगता है। और इसमें भी वाटरिंग बहुत कम देंगे, बहुत ज़्यादा वाटर देने की ज़रूरत नहीं है, एज अ रिक्वायरमेंट ही वाटर देंगे। और इनकी सॉइल जो होगी वो सैंडी और न्यूट्रिएंट रिच रखेंगे, वेल ड्रेनिंग सॉइल रखेंगे। ट्रेडेस्केंटिया सिलेमंटाना, जिसे व्हाइट वेलवेट के नाम से भी जानते हैं, ये बेस्ट हैंगिंग प्लांट होते हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं लुक वाइज, और इन्हें भी वाटरिंग एज अ रिक्वायरमेंट देंगे। इनकी भी स्टेम कटिंग ईजिली लग जाती है और शेड में ही लगाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे, इनके लीफ जो होते हैं बर्न हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वाटरिंग देने से भी इनके स्टेम गल जाते हैं और रॉटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बेस्ट हैंगिंग प्लांट होते हैं जिसे आप छोटे छोटे पॉट में भी डेकोरेट कर सकते हैं और ये भी पूरी पॉट को कवर कर लेते हैं और हैंग हो जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वाइट हैंगिंग पॉट में अगर इसे लगाएं तो ये और भी डेकोरेटिव लगेंगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्टेम कटिंग भी इजिली लग जाती है, मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया है। और जैसा कि ये सकुलेंट प्लांट है तो इन्हें वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे और न्यूट्रिएंट रिच फर्टाइल सॉइल रखेंगे। एंड नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट और गोल्डन पथोस। गोल्डन पथोस भी मनी प्लांट की ही वैरायटी और ये दोनों ही छोटे पॉट से लेके हैंगिंग पॉट के लिए भी सूटेबल होते हैं और इन्हें भी हम स्टेम कटिंग से और इनके लीफ से भी रूट प्रोपगेट कर सकते हैं। वाटर में भी इनके रूट प्रोपगेशन ईजिली हो जाती है। मनी प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों में ही काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं और जैसा कि ये शेड लविंग प्लांट है तो हाउस प्लांट के लिए तो ये काफ़ी पॉपुलर है, बट इन्हें आउटडोर भी शेड में लगा सकते हैं। मेरे मनी प्लांट काफ़ी साल पुराने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स बैक का ये मनी प्लांट है और अभी ये पूरे कमरे में काफ़ी अच्छे से फैल गया है, काफ़ी डेकोरेटिव लगता है मनी प्लांट। और मनी प्लांट के साथ ही ये प्यारा सा प्लांट है ट्रेडेस्केंटिया, जो वॉन्ड्रिंग जीव की वेरीगेटेड वेराइटी है जिसकी ग्रीन लीफ होती है, वाइट स्ट्रिप्स बने होते हैं इसमें, और ये भी बेस्ट हैंगिंग प्लांट है जिसे इंडोर आउटडोर दोनों में ही लगा सकते हैं। और इनको हम ग्लास में भी वाटर में डेकोरेट कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये इंडोर। और ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं तो अगर इन्हें बाहर में लगाएं तो शेड में लगाएं। ट्रेडेस्केंटिया हार्डी प्लांट है जो कभी ख़राब नहीं होते और इनकी स्टेम कटिंग भी इजीली लग जाती है, एक बार अगर हम अपने गार्डन में इसे लगा दें तो फिर ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। वेरी लो केयर एंड ईजी टू मेनटेन प्लांट है ये, और जैसा कि देख ही सकते हैं ये कितना अभी वाटर में लगाया हुआ है तब भी ये काफ़ी हैंग हो गया। इस तरीके से आप वाटर में ग्लास में लगाकर रूम्स में भी डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडोर हैंगिंग प्लांट है बुरोस्टेल, ये भी इंडोर हैंगिंग प्लांट अच्छे चलते हैं। ये भी सकुलेंट होते हैं जो कम पानी में भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी सकुलेंट की तरह इसकी पत्तियां भी पानी को स्टोर करके रखती है, जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तो ये पत्तियों में स्टोर पानी ही यूज़ कर लेते हैं। इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट यानी विंडो साइड में हैंग कर सकते हैं, इनको रंग बिरंगे और भी सकुलेंट के साथ लगा सकते हैं तो ये ज़्यादा डेकोरेटिव लगते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है पिचर प्लांट, ये भी ब्यूटीफुल और थोड़ा एलिगेंट हैंगिंग प्लांट है। ये अपना खाना इंसेक्ट से लेते हैं, यानी कि इंसेक्ट से मार कर ये न्यूट्रिएंट लेते हैं। इन्हें किचन में भी लगा सकते हैं ताकि किचन में जो भी इंसेक्ट आए वो उसे खा ले और हमारे किचन इंसेक्ट फ्री हो जाए। और ये भी काफ़ी हार्डी और लो केयर हैंगिंग प्लांट होते हैं, इसे भी आप इंडोर डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बर्ड्स नेस्ट फर्न प्लांट, ये प्लांट दूसरे पौधों पर अपनी बीज उगा देते हैं। इनके पत्तों की शेप धूप के अकॉर्डिंग बदलती है, जैसे ज़्यादा धूप होने पर इनके पत्ते बड़े हो जाते हैं और कम धूप होने पर थोड़े छोटे होते हैं। इन्हें इंडोर लाइट एंड ब्राइट एरिया में ही लगाएं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने पर इनके लीफ जल जाते हैं। इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, इसलिए इन्हें बाथरूम में भी बड़े ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं और बाथरूम को भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये वाइट हैंगिंग पॉट और वाइट वॉल बैकग्राउंड में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ऑर्चिड, ऑर्चिड के फ्लावर बड़े ही खूबसूरत होते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर फ्लावरिंग इंडोर प्लांट है, इंडोर ऐसी जगह पर लगाएं जहां प्रॉपर धूप आती हो,
फिर इसमें अच्छी ब्लूमिंग आएगी। ऑर्चिड फ्लावर अगर लोकल नर्सरी में ना मिले तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट है टिलेंडसिया प्लांट। यह एक एयर प्लांट है जो बिना मिट्टी के भी हम उगा सकते हैं। इसकी देखभाल बहुत ही कम होती है, यानी कि ये लो केयर और हार्डी प्लांट होते हैं। इसे ज़्यादातर कांच के जार में ही हैंग किया जा सकता है और जार को हम कलरफुल पेबल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसे ब्राइट लाइट में जहाँ एयर सर्कुलेशन अच्छा हो वहाँ लगा सकते हैं। इन्हें लिविंग रूम में भी डेकोरेट किया जा सकता है। और ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। ये भी बेस्ट हैंगिंग प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे हैंगिंग प्लांट में लगाकर रूम्स को डेकोर कर सकते हैं। इसे वाइट हैंगिंग पॉट और वाइट वॉल बैकग्राउंड भी काफ़ी सूट करता है और ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। नेक्स्ट प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये भी सकुलेंट प्लांट है जिन्हें आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। क्योंकि ये सकुलेंट है तो इन्हें सेमी शेड या पार्शियल सनलाइट में ही लगाएंगे। इंडोर इन्हें ब्राइट लाइट में हैंगिंग पॉट में हैंग कर सकते हैं और ये हैंगिंग पॉट के लिए भी सुटेबल होते हैं। इसमें पानी का भी हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी देने से प्लांट गलने लगते हैं। एज ए रिक्वायरमेंट वाटर देंगे। फर्टाइल रिच सॉइल में ये ग्रो किया जा सकता है और इनके स्टेम कटिंग या लीफ कटिंग से नए प्लांट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेल ड्रेनिंग फर्टाइल रिच सैंडी सॉइल में इन्हें लगाएं तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और ये है परमानेंट एंड हार्डी इंडोर हैंगिंग प्लांट रियो प्लांट। और ये भी बेस्ट फॉर बिगनर्स है एंड इसकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। इसके सीड से भी नए नए बेबी प्लांट आते रहते हैं। रियो प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों ही होते हैं। आउटडोर में इन्हें शेड में लगाएंगे, तेज धूप से इन्हें बचाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल इंडोर हैंगिंग प्लांट जिन्हें आप अपने रूम्स में लगाकर अपने रूम को डेकोर कर सकते हैं। और ये सारे इंडोर प्लांट हमारे रूम्स को पॉजिटिविटी से भर देंगे एंड ग्रीनरी एंड सूथिंग इफेक्ट देंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप भी अपने रूम्स को डेकोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।